सपोज यस सर, सर बोर्ड ब्लर है लेकिन। बहुत ब्लर है, आप क्लियर है? एक मिनट रुको। ओके जब बोर्ड क्लियर हो जाए तो बता देना। क्लियर? सर अब क्लियर हो गया। आप क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके चलिए, तो जो बात कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करेंगे। आई सपोज लिपिड्स की बात हो गई थी, अमाइनो एसिड शुरू कर दी था अमाइनो एसिड। आपकी क्लास में लिपिड्स हो गया था ना, अमाइनो एसिड शुरू कर दिया था। यस सर, स्टार्ट कर दिया था। अमाइनो एसिड क्या क्या बताया था अमाइनो एसिड के बारे में? सर आपने वो जो ग्लाइसिन, एलानिन वगैरह थे उनके स्ट्रक्चर्स बताए थे लास्ट में, और फिर ओके चलिए आगे बात करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं टॉपिक के अंदर। अमाइनो एसिड आपको थोड़ा बता दिया गया था क्या था, कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। ओके नाउ टॉकिंग फर्दर, तो जस्ट वन सेकेंड। ओके तो जैसे कि बात कर रहे थे हम अमाइनो एसिड्स के बारे में, कि अलग अलग तरीके के रहते हैं। 20 तरीके के आपको बताया था कि वो होते हैं 20 तरीके के। 20 जो हैं वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, जिनसे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन इसके बारे में। ओके तो यही बताया था कि 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स रहते हैं, और ग्लाइसिन, एलानिन, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, प्लांट का नाम बताया था। ओके कुछ कैटेगरीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी जैसे चार्ज अमाइनो एसिड्स, वन अमाइनो एसिड में क्या है, चार्ज अमाइनो एसिड्स। और चार्ज अमाइनो एसिड्स के अंदर जो कैटेगरी आ रही है वो नाम याद रख लीजिएगा, दो कैटेगरी आ जाएंगी, एक पॉजिटिव डिस्चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के अंदर लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के अंदर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के अंदर स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये हो गए चार्ज अमाइनो। फिर हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मेथियोनीन एंड सिस्टीन, मेथियोनीन एंड सिस्टीन, ठीक है। फिर हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अंदर टायरोसिन, फिनाइल एलानिन,
एंड ट्रिप्टोफैन। एंड ट्रिप्टोफैन ये आपके हो गए कौन से दी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। थ्री कैटेगरी हैं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, सल्फर कंटेनिंग एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ओके। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी इसको मिला है चार्ज अमीनो एसिड्स। यस सर। अगला हमारे पास दी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल आप समझते हैं कि जो डाइट में क्या है एसेंशियल है, उन्हें बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट कुछ इस तरीके से। थ्रियोनिन, लाइसिन, वो कैटेगरी खत्म हो गई है। ये ओवरऑल हमारा आंसर दो कैटेगरीज है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। तो डाइट में हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी, वो एसेंशियल। जो डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी, वो नॉन एसेंशियल। और जो एसेंशियल पे डिपेंडेंट है वो सेमी एसेंशियल। ठीक है ना? थ्रियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, वाइलिन एंड फिनाइल एलानिन। ओके okay. तो ये है आपके दी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, कौन से एसिड्स? एसेंशियल अमीनो एसिड्स थ्रियोनिन, लाइसिन, आइसोलेसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, वैलिन, फिनाइल एलानिन। ठीक है, नो टेंशन, ध्यान दीजिएगा ये मेरी बात पे। ठीक है, कि ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब इनको याद करने का एक छोटा सा निमोनिक है जो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, बहुत सिंपल सा है, एक छोटा सा निमोनिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई आया, ठीक है, आपने घर पे पार्टी रखी और आपने कौन सी पार्टी रखी, गर्मी बहुत थी तो आपने ठंडी लस्सी की पार्टी रखी, मतलब मीठी लस्सी होती है ठंडी वाली, उसकी आपने पार्टी रखी और सबको आपने पार्टी में बुलाया। अब कुछ लोग जो है वो पार्टी में लेट आए। अब जो लेट आए, ठीक है ना, उसमें से कुछ आपके दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे जो आपको पसंद थे, और जो आपको पसंद थे उनके लिए अब लस्सी खत्म हो गई, लस्सी बची नहीं, तो लस्सी बची नहीं तो आपने उनसे बोला कि ठंडी लस्सी इज लेस, ठंडी लस्सी कम है, ठंडी लस्सी इज लेस, राइट, मीठी वैनिला, ठंडी लस्सी इज लेस, ड्राई मीठी वैनिला। तो ये बोल के आपने उनको जो है शांत किया, ठंडी लस्सी इज लेस, ड्राई सम मीठी वैनिला। और जो दोस्त थे आपने उनको वैनिला खिलाई, और बाकी जो थोड़े दुश्मन जैसे थे जो आपको पसंद नहीं थे आपने उनको फिनाइल खिलाया। भाई सफेद तो वो भी दिखती है, या वैनिला है या फिनाइल है, लस्सी किसी को क्या पता। ठीक है ना, तो ठंडी लस्सी इज लेस बाय मीठी वैनिला, कि दोस्तों के लिए दुश्मनों के लिए वैनिला की जगह मीठी फेनाइल, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, वो ये है कि
मिथिलिन के पास भी सल्फर है और सिस्टीन के पास भी सल्फर है, तो मिथिलिन से हम डिराइव कर लेंगे सिस्टीन, मिथिलिन से डिराइव कर लेंगे सिस्टीन, और फिनाइल एलानिन से डिराइव कर लेंगे टायरोसिन, ठीक है ना। तो मिथिलिन से सिस्टीन और फिनाइल एलानिन से क्या डिराइव कर लिया हमने, टायरोसिन डिराइव कर लिया। तो मतलब ये दोनों अमीनो एसिड इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो क्या हो गए, ये दोनों हो गए आपके सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा जितने बाकी अमीनो एसिड है, जितने बाकी अमीनो एसिड है वो सारे के सारे कौन से रहेंगे, वो सारे कैसे रहेंगे, नॉन एसेंशियल रहेंगे। अब एसेंशियल याद रख लीजिए, सेमी एसेंशियल याद रख लीजिए, और बाकी रिमेनिंग बिकेम कम्स टू बी नॉन एसेंशियल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, असेंशियल नॉन एसेंशियल में एक दो और नाम है, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। ये नाम भी याद रखिएगा, जो आर्जिनिन और हिस्टिडिन है वो बच्चों में प्रोड्यूस नहीं होते, इन्फेंट्स में प्रोड्यूस नहीं होते, तो दे आर एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंट्स में ये बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, तो इन्फेंट्स के लिए आर्जिनिन और हिस्टिडिन भी क्या देंगे, एसेंशियल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वो एडल्ट की बात करेगा तो आप एसेंशियल में आर्जिनिन और हिस्टिडिन को काउंट नहीं करेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो आर्जिनिन और हिस्टिडिन रिमेंबर आर द एसेंशियल अमीनो एसिड ओनली फॉर इन्फेंट्स, और जब इन्फेंट्स की बात आएगी तो यहाँ पे आप आर्जिनिन और हिस्टिडिन भी ऐड कर लेंगे, वरना आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इतना ही है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में, और यही है कैटेगरीज ऑफ अमीनो एसिड, ही कैटेगरीज आपको माइंड में रखनी है, इससे ज्यादा कैटेगरीज आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बात करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। चलिए, पॉजिटिवली चेंज और नेगेटिवली चेंज का मतलब क्या, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, चार अभी समझा रहा हूं, आई विल जस्ट कम टू द माइनस। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया, हालांकि कहीं इतिहास में ऐसे नालायक स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, नालायक या लथार्जिक, बेशर्म, ठीक है, और क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, और क्या बुरे बुरे वर्ड हो सकते हैं, हेल्प में नालायक, लथार्जिक, लेजी एंड शेमलेस एंड व्हाट, ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नोट नहीं किया होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, मेरी तरफ से अपने लिए ये शब्द ऐड कर लें कि आप बेशरम हैं, आप नालायक हैं, आप आलसी हैं, आप लेजी हैं, और जब तक आप अपने लेजीनेस के उसे बाहर नहीं आते तब तक आप नीट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, दे आर नॉट इवन रेडी फॉर मी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सर ये फिनाइल एलानिन से टाइरोसिन, मतलब उससे हमारी बॉडी बनाती है उसको फिनाइल एलानिन से। हाँ, हमारी बॉडी में एंजाइम है ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर सके टायरोसिन, लेकिन आपको फिनाइल एलानिन तो चाहिए ना, तो अगर आप फिनाइल एलानिन नहीं लोगे, मान लीजिए आपकी बॉडी फिनाइल एलानिन की कमी है, तो फिर आपको डाइट में टायरोसिन लेना पड़ेगा, तो टायरोसिन क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में फिनाइल एलानिन की कमी नहीं है तो टायरोसिन की भी नहीं होगी, तो टायरोसिन क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल हो जाएगा, तो डिपेंडेंट है वो एसेंशियल के ऊपर। यस सर, आइए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे जो समझाने वाली बात है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये तो है आपके रट्टे वाली बात, ठीक है ना, और ये आपके केमिस्ट्री में भी आया, केमिस्ट्री में आपको 12th क्लास में भी टीचर बार बार रटवाएगा, बेटा ये एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल, इतना है ढकाना, ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, तो बच्चों को पता होता है, जब आप नीट देने जाओगे तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल पता होगा, क्यों, एक तो बायोलॉजी वाले टीचर ने भी अभी बता दिया, उसके बाद केमिस्ट्री वाला टीचर भी 12th क्लास में गाता रहेगा, तो
जिसको नीट निकालना होगा उसको पता होगा कि ये पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हालांकि वो भी बड़ी चीज नहीं। बायोकेमिस्ट्री में कुछ भी बड़ा नहीं है आपके लिए, बायोकेमिस्ट्री सिर्फ आपको दिखेगा मुश्किल, लेकिन केमिस्ट्री से जब जुड़ जाएगी आपको लगेगा एकदम आसान। कुछ भी नहीं, मैं आपके लिए अमीनो एसिड बनाऊंगा, मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, अमीनो एसिड को भी अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। अब बीटा भी होते हैं, गामा भी होते हैं, अब उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और ये अल्फा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन लगाइए, लगा दिया, ठीक है। इधर आपको पता है कि इधर COOH और इधर, या मैं अब इसको अगर मैं, हाँ तो लिख लीजिए, ये NH2 है, ठीक है, और इधर R है, ये एक अमाइनो एसिड है, क्या ये एक सिंपल सा अमाइनो एसिड। अब मैंने इसकी आयनिक फॉर्म बनाई कि चलो इसको आयन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको जब हम आयन में कन्वर्ट करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये CO- आयन हो जाएगा, ये NH3+ हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब मुझे ये बताइए कि ओवरऑल इस अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज कितना, ओवरऑल इस अमाइनो एसिड के ऊपर कितना चार्ज है भाई साहब? जीरो। जीरो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल चार्जेस जीरो, वेरी गुड। ओके okay. अब बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दिमाग के अंदर, अगर मैं इस आर को हाइड्रोजन बना दूं तो ओवरऑल चार्ज क्या है? जीरो, राइट? ओके okay. साथ से थोड़ा बोलते रहा तो यहाँ पे सुन रहे हो, ठीक है ना? ओके okay. अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे किया कि CH2 COO- लग गया। बेटा अब ओवरऑल चार्ज क्या है? नेगेटिव नेगेटिव हाँ, नेगेटिव। तो ये ग्लूटामिक एसिड है, ये क्या है? ग्लूटामिक एसिड, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना। अगर इसी को मैं CH2 करके कुछ ऐसा करके मैं यहाँ पे NH3+ कर देता, अब वो बड़ा चार चार्ज हो रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आर ग्रुप के ऊपर। अगर आर के पास एक NH3+ फालतू है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर आर के पास CO- नेगेटिव है एक्स्ट्रा है तो क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो सारी इस प्रॉपर्टी में आर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर आर हाइड्रोफोबिक है तो भाई हाइड्रोफोबिक आर कौन सा होगा? तो CH2 CH3 लंबी लंबी CH3 की चेन है, वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। और जिसके पास मान लो CH2OH है, अब OH होने की वजह से मान लो कोई ऐसा होता R इज इक्वल टू CH2OH होता जैसे कि शरीर में, तो क्या होता? OH की वजह से ये कैसा हो जाता? हाइड्रोफिलिक। तो ओवरऑल अमाइनो एसिड कैसा हो जाता? हाइड्रोफिलिक हो जाता। हाइड्रोफिलिक समझते हैं ना आप लोग, है ना। तो OH की वजह से हाइड्रोफिलिक हो जाता, हाइड्रोजन बॉन्ड में आता, सॉल्युबल हो जाता है इसलिए पानी में। अच्छा अगर सर, यही मैंने तो पता है, पर सर ये ऐसे ऐसे नहीं पता मैं, मतलब ओ एच के हाइड्रोफिलिक मतलब कारण। वाटर लविंग, जो जो हाँ वाटर सर, वो लविंग तो हो। पता है। हाँ तो देखो इसमें क्या है, OH जहां पे OH देखोगे ना, OH एक्चुअली चीजों को वाटर में सॉल्युबल बनाता है, ठीक है ना। O इलेक्ट्रो O इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है ना, O O इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, H इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इसमें ना यहाँ पे ये डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, इसकी वजह से उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब कि डेल्टा पॉजिटिव, मतलब जैसे चार्ज डिफरेंस बिटवीन O एंड H। तो इसकी इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर और इसका छोटा सा एटम, ठीक है ना, इसकी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। तो इसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से ये थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट बोलते हैं उसको, तो डेल्टा नेगेटिव इसमें चार्ज होता है हल्का सा, मतलब ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ठीक है ना, ये पोलैरिटी है, चार्ज डिफरेंस है। तो इसकी वजह से ये वाटर में क्या होता है? पोलर होता है, क्योंकि वाटर भी ऐसे ही होता है, वाटर इज सेम, उसमें भी H2O होता है, H2O, H2O, O और O, एक H है उसमें एक O है, उसमें भी एक O है। तो उसकी वजह से ना वाटर में क्या होता है कि ये वाला O भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है थोड़ा इस तरह, ये डायरेक्शन, ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है थोड़ा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जब दो इस डायरेक्शन में चले गए ना तो ये वेक्टर का हिसाब किताब होता है, वेक्टर में जब दो लोग इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में वो बढ़ जाता है। H2O में सर दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। अच्छा आई एम सॉरी माई बैड, मेरे को गलती लगी, ठीक है, फिर भी बात वही बनेगी, फिर से वही होगा, एक ओ है दो एच है, आई एम सो सॉरी। तो ये वाला वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये वाला वो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना। तो अब ये बेसिक सा है कि जब दो एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ओवरऑल वेक्टर इस डायरेक्शन में चला जाता है।
H2O पोलर होता है, तो H2O में पोलर होता है, H2O पोलर है, ठीक है ना, यहाँ पे OH है वो भी पोलर है, तो पोलर और पोलर, पोलर पोलर आपस में पसंद करते हैं, है ना। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, क्यों, वाटर पोलर है, तो जो भी चीज पोलर होगी, जहां पर भी चार्ज डिफरेंस होगा या जो भी चीज चार्ज होगी, वो वाटर से मोहब्बत करेगी, वो वाटर से प्यार करेगी, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और जहां पे चार्ज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई पोलैरिटी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन, CH2 CH3 सॉरी CH2 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 CH3, जहां ये लंबी लंबी चेन आएंगी, चाहे ये आए, चाहे ये दो आ जाए, चाहे एक, ऐसे ऐसे जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लंबी लंबी जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, दे आर हाइड्रोफोबिक, या हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये वाटर हीटिंग होते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये एक्चुअली बीच में एक कॉल आ जाती है तो आवाज़ धीरे हो गई होगी, आई जस्ट कम बैक। नहीं। ओके, तो आई सपोज आई एम क्लियर टू यू कि क्या हाइड्रोफोबिक है और क्या, देखो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, तो जो भी नॉन पोलर होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर हीटिंग होगा, और जो भी पोलर होगा वो क्या होगा, वाटर लविंग होगा, ठीक है। सर अगर सिर्फ CH3 लगा हुआ है तो फिर हाइड्रोफोबिक होगा। बेटा अब CH3 लगा हुआ है तो CH3 तो पॉजिटिव होता है ना, तो आयन है ना CH3, CH3+ तो आयन हो गया ना, CH3 प्लस होगा माइनस होगा, CH4 है ना, आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, H+ निकाल दिया, तो CH3 तो माइनस होगा, खैर जो भी होगा CH3 तो अनस्टेबल है, और आयन है, तो जो भी आयन होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होंगे, H+ Cl- K+ ये आयन हमेशा वाटर हाइड्रोफिलिक होते हैं, सर मतलब ठीक है। आर की जगह अगर CH3 लगाएं जहां पे आर है यहां अच्छा हाँ, पे अच्छा वो भी CH3। देखो, यस, अगर आर की जगह CH3 लगाएंगे बेटा तो यस ऑफ कोर्स ये हाइड्रोफोबिक है, तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब ये लंबी लंबी चेन्स ये हाइड्रोकार्बन की, ये सब हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ओके सर। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखो, अगर मैं ये लगा दूँ CH2OH, तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, लेकिन नॉन चार्ज, नॉन चार्ज हाइड्रोफिलिक। और अगर मैं यहीं पे कर दूं बेटा, अगर मैं इसको कर दूं CH3 CH2 CH2 COO माइनस, अभी क्या हो गया, चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक, गॉट इट। यस तो सर। जो चार्ज होगा, तो जो भी चार्ज है पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो सब कैसे हाइड्रोफिलिक। अब इस चीज की इंपॉर्टेंस आप आगे समझोगे, जब आप प्रोटीन्स की बात करोगे, जब आप बाकी चीजों की बात करोगे, तब समझ आएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रॉपर्टी एक अमाइनो एसिड की है वो उसके आर पे डिपेंडेंट होगी, खैर तो ये एक सर आइडियल फॉर्म है। हाइड्रोफिलिक और फोबिक के लिए बस हमें ये देखना है ना कि चार्ज है या नहीं, और OH से और एक OH वाली चीज, और तो कुछ नहीं है। कह क्या 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 कह रही हो तुम, कौन क्या रही कह रहा हूँ है? हाइड्रोफोबिक और इसे का हाँ बोलो। मैं कह रही थी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के लिए एक तो R की चार्ज देखनी है, चार्ज है तो हाइड्रोफिलिक है, और OH है तो भी वो हाइड्रोफिलिक है, और कुछ तो रूल नहीं है ना। हाँ उतना ही, उतना ही, उतना ही काफी है, ठीक है ना, उतना ही देखना, ठीक है ना। और याद रखना, अब ओके सर। याद रखना, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर CH2 SH है, ठीक है ना, तो SH चाहे OH हो, बात तो एक ही है, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप ग्रुप के आते हैं, है ना, तो ये भी हाइड्रोफिलिक है, ठीक, गॉट इट। ओके सर। ओके चलिए छोड़ देते हैं, अब हमें ज्यादा दिन दिमाग लगाना, मुझे बस कि आर ग्रुप पे डिपेंडेंट है एक अमाइनो एसिड का फंक्शन, अब ये आयनिक फॉर्म है। अब मेरा मन क्या मन कर रहा है कि मैं इस आयनिक फॉर्म को उठा के एसिडिक एनवायरनमेंट में रखूं, कार्बो एसिडिक एनवायरनमेंट, अब एसिडिक एनवायरनमेंट में H+ ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है सर। H+ ज्यादा होता है, वेरी गुड,
ओके okay. और ये है बेसिक एनवायरनमेंट। बेसिक एनवायरनमेंट क्या होता है, एच प्लस ज्यादा होता है कम होता है? सर एच प्लस कम होता है और ओ एच माइनस ज्यादा एच होता प्लस है। कम होता है, बहुत ही बढ़िया, एच प्लस कम होता है, सही बोला आपने, ठीक है ना। तो एक एसिडिक एनवायरनमेंट है, एक बेसिक एनवायरनमेंट है। अब देखिए, अब जहां पे एच प्लस ज्यादा है, आप अगर वहां पे जा रहे हो तो आप क्या चाहोगे, आप अपना आप और एच प्लस दोगे या एच प्लस ले लोगे? अगर आप सर उसमें ऐड हो जाएगा। एच प्लस लेंगे ना, कि भाई थोड़ी एसिडिटी कम करते हैं, थोड़े न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं ना, तो हम एच प्लस ले लेंगे। और वो एच प्लस कौन लेगा, ये सीओ माइनस ले लेगा, और ये सीओ एच हो जाएगा, और ये एनएच थ्री पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये आ गया आर। तो बताइए अब ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये कैटायन है कि एनायन हुआ? ये हमारा कटायन हो गया। पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज आयनिक कटायन, ठीक है, ये कटायन हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे आई, यहाँ पे तो बेसिसिटी, यहाँ तो एच प्लस कम है, तो यहाँ पे एच प्लस देना चाहिए कि ले लेना चाहिए? प्लस ले ले, ले उसमें से अलग हो जाएगा। एच प्लस छोड़ देना चाहिए। अब सीओ माइनस के पास एच प्लस है नहीं, तो छोड़ नहीं सकता है ना, यहाँ से देखिए, वहां पर देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। लेकिन एच प्लस यहाँ पे एच फालतू है, इसको गिर दे देगा, क्या हो जाएगा, एनएच टू हो जाएगा, ये एनएच टू हो गया, और ये हो गया आर का आर ही रहा। तो आप बताइए ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो गया कि पॉजिटिव हो गया? ओवरऑल चार्ज क्या हो गया इसके ऊपर, नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज इस पे क्या हो गया? ओवरऑल चार्ज पे हो गया नेगेटिव। अब एक नेगेटिव वाला एनायन होता है, कैटायन होता है, एनायन एनायन। तो आपका माइनस एसिडिक एनवायरनमेंट में अलग तरीके से बिहेव करता है, बेसिक अमीनो एसिड बेसिक एनवायरनमेंट में अलग तरीके से बिहेव करता है। मतलब एक अमीनो एसिड एसिडिक में अलग, बेसिक में अलग। इट कैन आल्सो बिहेव लाइक एनायन, इट मे आल्सो बिहेव लाइक अ कैटायन। एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैसे भी बिहेव कर सकता है। और ऐसे आयन जो एनायन कैटायन दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड बिन पहले के दोटे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन अपने नेचर बदल देते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं ज्वेटर आयन। गॉट इट? सर हम उनके लिए हाँ एम4 टारगेट भी तो यूज कर सकते हैं। जी, M4 टारिक जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ क्या कह रहे हो? जो बेस और एसिड दोनों साथ रिएक्ट कर जाते हैं हम उनके लिए M4 टारिक भी तो यूज कर सकते हैं। बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो बिहेव बिहेव करता है या रिएक्ट कर जाता है? बिहेव सर एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है या रिएक्ट करता है, क्या बोल रहे हो? जैसे कि इसके अंदर जो ये इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है तो ये मतलब एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी रिएक्ट कर रहा है। बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, सर जब एसिड में डालेंगे तो ये एच प्लस ले रहा है तो यानी कि बेस की तरह तरह बिहेव कर रहा है ना, अच्छा हाँ, और बेसिक और पे आने बेस के के एसिड की अंदर तरह काम कर रहा है। एसिड की वो तरह बिहेव कर रहा है। हाँ वो हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ तो तो सर हम इसको एम्फोटेरिक भी तो बोल सकते हैं, ऐसे मेटल्स में बोलते हैं एम्फोटेरिक। कौन से मेटल को एम्फोटेरिक बोलते हैं? एम्फोटेरिक की डेफिनेशन बताओ। जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हो गया सर, जिंक हो गया, डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन डेफिनेशन बताओ, एम्फोटेरिक की क्या होती है, क्या होता है लूज एम्फोटेरिक? मेटल। अच्छा सर हाँ उसमें मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ज्वेटर आयन की बात हो गई, ठीक है। वायंस बिहेव लाइक दिस आर नॉन एज ज्वेटर आयंस। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द ज्वेटर आयंस। आगे नेक्स्ट कांसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट पे क्या है, मैं अमाइनो एसिड थोड़ा सा बदल के लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा अच्छे से खोल के लिखना चाहता हूँ। अमाइनो एसिड कैसे लिखना चाहता हूँ, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी।
मेरे पास यहाँ कार्बन, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है ना, और ओ एच है, सी ओ ओ एच है ना, ये होता है ना, सी ओ ओ एच है। यहाँ पे मेरे पास आर है, आर्गन बोलते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एन एच थ्री पॉजिटिव। आई सब आई सपोज इस बात से किसी को दिक्कत नहीं चाहिए, मैंने बस इसको थोड़ा सा अपने एक थोड़ा सा ओपन करके रखा बस, ठीक है। अच्छा, एक और अमाइनो एसिड ले रहे हैं, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखा, थोड़ा खोल के लिखा, कैसे एन एच थ्री को मैंने कैसे लिखा हूँ, एन एच एच एच, ठीक है, एन एच थ्री प्लस, साथ में कार्बन, साथ में हाइड्रोजन, साथ में आर टू, और साथ में ये सी ओ ओ एच, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये खोल दिया, इस तरह मैंने सी ओ एच को खोल दिया, वही स्ट्रक्चर है, मैंने तो कुछ नहीं बदला, थोड़ा खोल के रखा है। अब आप देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ नीचे बता रहा हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे क्या, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, और इधर पास आ जाएगा कौन, इधर पास आ गया एन एच एच और एच, तो ये ओके, तो ये जो डबल ओ एच है, ये जो क्या है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्यों आई एम सॉरी, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर सी ओ एच लिया है तो मैं यहाँ पर एन एच टू लूंगा, ठीक है ना, फिर मैं एक को आयनिक और दूसरे को न्यूट्रल नहीं रख सकता, तो मैं यहाँ पे इसको एन एच टू ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एन एच टू ले रहा है, इस एच को गार्ड कर रहे हैं, एन एच टू, ठीक है। बॉर्डर में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सी ओ एच किया, अगर यहाँ सी ओ माइनस करता तो फिर मैं यहाँ पे एन एच थ्री पॉजिटिव करता, अगर आयन बनाऊंगा तो दो बनाऊंगा, और अगर नहीं बनाऊंगा तो फिर एक को भी नहीं बनाऊंगा, तो मैं एक को भी नहीं बना रहा, मैं इसको एनएच टू बोल रहा हूँ और इसको सी ओ एच बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। तो ये सी ओ एच है, ये एनएच टू है, यहाँ पे अब ये ओ एच और ये एच ये मिल के वाटर बन के निकलेगा, पानी बन के क्या निकल के बाहर निकल गए, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और पानी निकल के जब ये बाहर निकले तो मैंने एच में डाल दिया, यहाँ से एच गायब हो गया और यहाँ से ओ एच गायब हो गया, क्लियर पॉइंट, वाटर निकल के वाटर बाहर निकल गया, और बचे हुए ने यहाँ पे बॉन्ड बना, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन ने यहाँ पे क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और इस बॉन्ड का हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और किसके बीच में होता है, द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द अमीन ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड। मतलब जो एनएच पेप्टाइड बॉन्ड होगा, मतलब ये मान लीजिए दो अमीनो एसिड है, जो एनएच पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो एन वाला जो अमीनो एसिड है, एन वाले का कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, और अमीन ग्रुप होगा एन वाले का, सुनिएगा तो बात ध्यान से, इसको बॉटम निकल गया, एनएच वाले का जो एनएच वाले का कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, और वो बॉन्ड बनाएगा एनएच के साथ, एनएच किसका, एनएच प्लस वन वाले का, एनएच प्लस वन वाले का क्या होगा, मतलब अगले वाले का क्या होगा, अमीन ग्रुप, और जो उनसे पेप्टाइड बॉन्ड है उसके वाला क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 अमाइनो एसिड है, एक पांच ही, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच अमीनो एसिड है तो उसमें चार पेप्टाइड बॉन्ड है, एक दो तीन चार, क्लियर। जो पहला पेप्टाइड बॉन्ड है वो पहले का कार्बोक्सिलिक, दूसरे का अमीन, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड दूसरे का कार्बोक्सिल, तीसरे का अमीन, तीसरे पेप्टाइड बॉन्ड तीसरे का कार्बोक्सिल, चौथे का अमीन, चौथा पेप्टाइड बॉन्ड चौथे का कार्बोक्सिल, पांचवे का अमीन, मतलब जॉनसन पेप्टाइड बॉन्ड उसके वाले का कार्बोक्सिल और अगले वाले का अमीन। तो अगर एनएच पेप्टाइड बॉन्ड है, कौन सा है, एनएच पेप्टाइड बॉन्ड है, पांचवा छठा सातवां, एन कैन बी एनी नंबर, तो
एनएच वाले का कार्बोक्सिल ग्रुप और एन प्लस वन अगले वाले का अमीन ग्रुप, ये रहता है हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। एक बात आप और ध्यान देंगे कि मैं कितने मर्जी ऐसे अमीनो एसिड जोड़ता जाऊं, लास्ट में तो मेरे पास अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री ही रहेगा, क्योंकि बॉन्ड जो ऐसे बन रहा है ना, इसका कार्बोक्सिल इसका अमीन, अगले वाले का कार्बोक्सिल फ्री। मान लो उसका कार्बोक्सिल तक गिर के अमीन जोड़ा तो फिर उसका अगले का कार्बोक्सिल फ्री। तो कितनी मर्जी लंबी चेन बना लूं, मेरे पास अमीनो एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक तरफ अमीन ग्रुप होगा और एक तरफ मेरे पास क्या होगा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यानी मैं कह सकता। और हमेशा पहले नंबर का अमीनो एसिड वो माना जाता है जिसके पास अमीन ग्रुप, मतलब डायरेक्शन अमीनो एसिड के जुड़ने के में से ये रहेगी, पहला अमीनो एसिड हमेशा उसको माना जाएगा जिसके पास क्या होगा अमीन ग्रुप होगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि एक अमीनो एसिड की चेन जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए जिसको मैं पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकता हूं, तो एक पॉलीपेप्टाइड एन टर्मिनल से सी टर्मिनल जाता है, जहां एन का मतलब अमीन ग्रुप, सी का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन अमीनो एसिड, इट इज एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, एन टू सी, ये डायरेक्शन होती है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की। और पॉलीपेप्टाइड समझ में आएगी आपको कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड क्या बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो जिस भी चेन के अंदर जब भी बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ ग्रुप में आते हैं तब आप उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और अगर ये पॉलीपेप्टाइड एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा हो, इंडिपेंडेंट एक फंक्शन करने में सक्षम हो, काबिल हो, तो फिर इस पॉलीपेप्टाइड को हम बोल देते हैं प्रोटीन्स। तो ऑल द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, बट ऑल द पॉलीपेप्टाइड्स आर नॉट प्रोटीन्स। क्लियर पॉइंट? तो जो भी प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड होगा ही, लेकिन सभी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स नहीं होते, सिर्फ वही पॉलीपेप्टाइड्स जिनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं वो आपके लिए क्या होंगे प्रोटीन्स होंगे, जैसे हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिंस, ठीक है ना, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टर्स, बहुत सारी चीजें जो क्या है प्रोटीन्स है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? सर ये हीमोग्लोबिन वगैरह पॉलीपेप्टाइड्स है जो कि फंक्शनल है? यस ओके सर। सो दैट इज ऑल अबाउट द पॉलीपेप्टाइड्स। आइए पॉलीपेप्टाइड्स समझ में आ गए उसको मिटा देते हैं। ओके क्लियर है? मिटा दो पेप्टाइड को, क्लियर है ना सर? यस सर। सर जो चैन के नीचे अमीनो एसिड की चैन के नीचे जो सर आपने ये लिखवाया एनएथ एंथ टर्म और सी का डबल बॉन्ड, सर ये वाला मुझे दोबारा समझा दो, ये ऊपर का तो समझ आया, थोड़ा सा सुना ही नहीं, समझ नहीं आया मुझे। कौन पूछ रहा है? तेरा नाम है सर? लड़के सर, रोहन। रोहन सर, रोहन, रोहन मुझे yes. हाँ रोहन, एक बात बता, अपनी कॉपी है तेरे पास? कॉपी है सर? सर रखी हुई है। लिख रहा है उसमें कुछ? चल फटाफट से कॉपी पेन पकड़। यस सर, यस सर, लिख। हाँ, उसमें उसमें 6-7 अमीनो एसिड की चेन बना फटाफट से, ए ए करके। ओके, जैसे ये बनाई है ना ए ए करके मैंने, फटाफट बना, जल्दी बना, जल्दी। बन गई सर? बना रहा हूँ, बाकी लोग भी बना सकते हैं। क्या रीड लगा दी, बनी कि नहीं बनी? सर बना रहा हूँ बस सर, बन गई। बन गई, सबको नंबरिंग दे, कितने अमीनो एसिड की बनाई है? सर सर तीसरे पे हूँ सर। हाँ जल्दी कर बता, अब सबको नंबरिंग दे दी? Thank you.
सर पूरा स्ट्रक्चर बनाना है क्या उसका? अरे नहीं, पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है क्या? ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहा होगा, इतना टाइम कैसे लग सकता है? सर बना लिया, सर बना लिया, पूरा पूरा सर बना स्ट्रक्चर लिया बनाया क्या तूने लड़के? तूने पूरा सर। स्ट्रक्चर यस बनाया क्या? सर, जैसे एक आपने मिनट ना, जरा अपनी कॉपी शेयर कर, जरा स्क्रीन अपना कैमरा ऑन करो, जरा अपनी कॉपी शेयर कर, जरा स्क्रीन पे देखो, जरा तूने क्या बनाया, दिखाइयो क्या बनाया तुमने। सर कर रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। सी टर्मिनल बोलते हैं। हाँ, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल, भाई एक होगा आपका एन टर्मिनल, एक होगा आपका सी टर्मिनल। हाँ ओके जरा सर। दूर तो कर ले भाई, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाया बहुत बढ़िया। चल जो भी बनाया अच्छी बात है, अब जरा कॉपी डाले। चल हाँ बंद कर ले, बंद कर ले कैमरा, बंद कर। हाँ अब मुझे एक बात बता कि कितने कितने अमाइनो एसिड लिए तुमने, कितने लिए, चार लिए पांच लिए? सर चार फोर चार लिए ना। अब ये यस बता इन चार अमाइनो एसिड में तीसरा तीसरा कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं? सर टू नहीं सर, दो दो मिनट बने से हैं ना, रिमूव। दो यस सर, पेप्टाइड बॉन्ड बने। आज लड़का मार खाएगा। एक सर, थ्री 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 तीन बने होंगे ना, ठीक है। यस अब सर, जो दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है यस सर, वो किसके बीच में बना है? सर दूसरा पेप्टाइन बॉन्ड बनाए सर, दूसरे जो दूसरे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर था, और थर्ड के सेकंड और थर्ड के बीच में बनाए। ठीक है। अच्छा दूसरे वाले का क्या लिया है, अमीन ग्रुप लिया है, कार्बन लिया है? सर कार्बन सीओ, और ठीक है, और जिसके साथ बना उसका क्या लिया है? सर एच एच लिया है। पूरे एच के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है। नहीं सर, सर वो नीचे का उसके साथ एन लिया है, नीचे का जो एच ओ बन के पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा वो हाँ मतलब एच टू। इस मतलब पहले वाला कार्बन दूसरे का नाइट्रोजन हुआ ना, यस सर, मतलब बोलूं तो दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बन और तीसरे का नाइट्रोजन, यही होगा ना? यस सर, तो आप खुद दिमाग लगा कि जो दूसरा सेकेंड नंबर का पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें यस सेकेंड सर, वाले का क्या है, सेकेंड वाले का क्या है, सर सेकंड वाला, कार्बन, सेकंड यस सर, कार्बन और थर्ड वाले का क्या है, सर, नाइट एन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। यस अच्छा ठीक है, अब तीसरे वाले पेप्टाइड बॉन्ड पे आ जा। यस सर, तीसरे वाले में तीसरे वाले का क्या है सर कार्बन और चौथे वाले का? नाइट्रोजन। ओके, अब लेट एन बी एनी नेचुरल नंबर, लेट एन बी एनी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई भी यस पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एनएच पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा पांचवा तीसरा पांचवा आठवां दसवां कोई भी, तो यस जोन सा सर, पेप्टाइड बॉन्ड है, जोन से नंबर का, मान लो छठा पेप्टाइड बॉन्ड है, तो छठे यस वाले का सर, क्या होगा, कार्बन होगा, यस सर, और अगले वाले का क्या होगा, नाइट्रोजन। तो यस यही बात अब से मैं यही बता रहा हूँ गुरु जी कि एनएच मतलब छठे वाले का कार्बन और एनएच प्लस वन मतलब सातवें वाले का नाइट्रोजन, यस गॉट सर, इट? पांचवे की यस पांचवे सर, पेप्टाइड एनएच का मतलब एनएच पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो उसमें यस एनएच वाले पांचवा पेप्टाइड बॉन्ड, पांचवे का कार्बन, छठे का 5 + 1 छठे का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, आठवां पेप्टाइड बॉन्ड तो आठवें वाले का कार्बन और नौवें वाले का नाइट्रोजन, ये पढ़ा है, गॉट इट? यस सर, वेरी गुड। और इतनी मेहनत नहीं लगती अगर आपने थोड़ा सा 10th क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया होता ना, तो ये बहुत 10th के कॉन्सेप्ट से, एन लेट एन बी एनी नेचुरल नंबर, n+1 n+2 क्या है, ओके इसको मिटा देते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सब लोग जरा ध्यान देंगे, ठीक है? क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम, क्या है जैसे राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए, आरएनए जाता है और आरएनए को देख देख प्रोटीन बना जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रोटीन बनाया जाता है, लेकिन प्रोटीन की लीनियर चेंज नहीं होती, प्रोटीन की लीनियर चेंज नहीं होती। इस प्रोटीन को ले जाते, प्रोटीन को लेके जाया जाता है, एक स्ट्रक्चर होना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके इस प्रोटीन को फोल्ड किया जाता है, ठीक है ना? मतलब राइबोसोम में प्रोटीन बनता है और कुछ कुछ पार्ट बनते बनते और कुछ पार्ट मॉडिफिकेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और वहां से निकल के ये गॉल्गी बॉडी में जाता है और फिर फाइनली प्रोटीन क्या होता है, तैयार होता है। तो मतलब प्रोटीन जिस तरीके से बनता है लीनियर चेन में, उस तरीके से रहता नहीं है, वो ओवरऑल फोल्ड हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फोल्ड हैं प्रोटीन के। तो अगला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक, ओके। अब फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के अंदर ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आ रहा है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के अंदर, सबसे पहले से सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, चार तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। देयर इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, देयर इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देयर एंड देयर इज ऑल्सो अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देयर इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। आइए बात करते हैं, बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है बल्कि फोल्ड ऑफ प्रोटीन, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। क्या है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड? मान लीजिए आपके पास 10 अमीनो एसिड है, 1 2 3 4, जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 मान लो अमीनो एसिड है, ठीक है ना? ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, सब कौन सी बात है क्योंकि ये एंटर मिलेगा, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और कोई आपसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, आपने बोल दिया सर टोटल अमीनो एसिड 6 है, ठीक है। मैंने कहा वो जब ये बताओ कि पहला अमीनो एसिड कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा। तुम लोग बोलेंगे सर पहला एलानिन है, दूसरा ग्लाइसिन है, तीसरा वाला एस्पार्टिक एसिड है, चौथा वाला जो है वो जो भी फलाना वैलिन है, पांचवा वाला एस्पारजीन है, छठा वाला हिस्टिडाइन है, जो भी उनका ऑर्डर था आपने मुझे बता दिया, ठीक है। मैंने बोला कि आप बताओ कि ये फोल्डेड कैसे है, आपने कहा सर वो तो पता नहीं। तो मतलब आपको सिर्फ क्या पता है, आपको बस पता है कि अमीनो एसिड का नंबर कितने अमीनो एसिड्स है और उनका ऑर्डर कौन सा, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स का या पॉलीपेप्टाइड का आपको सिर्फ क्या पता है, आपको सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर पता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के मतलब कि सीक्वेंस क्या है, टोटल कितना अमीनो एसिड है, तो सीक्वेंस होगा तो टोटल भी बताएंगे, ठीक है ना? क्लियर पॉइंट। अच्छा इसमें कौन सा वाला बॉन्ड पाया जाएगा, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, सिर्फ कौन सा बॉन्ड देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो कुछ बेसिक फोल्ड लेता है। कैसे बेसिक फोल्ड? हो सकता है एक अमाइनो एसिड इस तरीके से हेलिकल रूप ले ले, फिर हो सकता है कि वो ऐसे 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 जिगजैग रूप ले ले, और हो सकता है फिर से वो कोई हेलिकल रूप ले ले, मतलब इस तरीके से हमारे सोचते हैं एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, ठीक है? कि उसने कहीं कहीं पे वो हेलिकल फॉर्म में, उस हेलिक्स को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और जिगजैग जिगजैग को बोलते हैं बीटा शीट, ठीक है ना? तो और बीच में जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट को या दो बीटा शीट को जो आपस में जोड़ेगा
उसको हम बोलते हैं टर्म लूप या कॉइल। मतलब आपसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि बताओ कि कहाँ कहाँ अल्फा हेलिक्स है, कहाँ कहाँ बीटा शीट है। आपने बोला कि सर मेरे पास जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें 50 अमीनो एसिड है, 50 अमीनो एसिड है। इसमें आप जब फर्स्ट से 15 तक जाओगे तब आपको एक अल्फा हेलिक्स मिलेगा, फिर आपको 5 अमीनो एसिड का लूप मिलेगा। मतलब 1 से 15 का तो हो गया अल्फा हेलिक्स, ठीक है। फिर 15 से 5 का आपको एक लूप मिला, मतलब 20 से पहुंच गए। 20 से आप जब 30 पे गए तो 10 अमीनो एसिड का आपको एक बीटा शीट मिली है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लूप आ गया सर, वो भी 5 अमीनो एसिड का, तो 35 तक आपका फिर से एक लूप है, और फिर 15 का आपके पास एक अल्फा हेलिक्स है। या आपने मुझसे बोला कि सर पहले एक अल्फा हेलिक्स है, फिर एक लूप है, फिर अल्फा हेलिक्स है, फिर एक लूप है, फिर बीटा शीट है। या एक अल्फा हेलिक्स, दो बीटा शीट, फिर अल्फा हेलिक्स, फिर अल्फा हेलिक्स, फिर बीटा शीट, फिर अल्फा हेलिक्स, मतलब कुछ भी। मतलब आपको ये पता है कि एक से लेके 50 अमीनो एसिड या 100 अमीनो एसिड, 200 अमीनो एसिड में कहाँ कहाँ अल्फा हेलिक्स है, कहाँ कहाँ बीटा शीट है, कहाँ कहाँ टर्न लूप और कॉइल है। अगर आप ये जानते हैं तो बेटा आप क्या जानते हैं, आप प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जानते हैं। तो दैट इज अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम कि अल्फा हेलिक्स क्या है और बीटा शीट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। आइए थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। सर ये टर्न किस पोर्शन को बोला है, मतलब बेटा जो भी ज्वाइन करेगा, तो जैसे एक अल्फा को बीटा से ज्वाइन किया, तो बीटा को ज्वाइन किया, दो अल्फा को ज्वाइन किया, तो जो दो इंडिपेंडेंट फोल्ड्स को जब ज्वाइन कर रहा है ना, उसको हम टर्न बोल रहे हैं। ओके सर, टर्न लूप या कॉइल, ठीक है ना। सर जो ये टर्न होता है ये आता कैसे है? दो चीज सिरों को कनेक्ट करते हैं ना, दो अलग अलग चीजें उनको कनेक्ट करना है, वो एक बॉर्डर में इंटरमिक्स नहीं हो रही। पहले कॉइल है, फिर थोड़ा स्ट्रेट हो रहा है, फिर से वो नया अगला लूप ले रहा है, तो जो बीच में कनेक्टिंग चीज आ रही है उसे टर्न बोल रहे हैं। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। अल्फा हेलिक्स क्या है? अल्फा हेलिक्स में मतलब क्या आप देखोगे कि अमीनो एसिड ना ऐसे हेलिकल फॉर्म में रहे हैं, इस फॉर्म में बेटा, ऐसे हेलिकल फॉर्म, इस तरीके से ना हेलिकल फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। अब कैसे अरेंज है, जैसे ये अमीनो एसिड है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 10 ऐसे रहे, है ना। तो जो पहला अमीनो एसिड है ना, वो चौथे अमीनो एसिड के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फिर चौथे वाला आठवें के साथ, चौथा पांचवे छठे, पहले ने चौथे के साथ बनाया और दो को छोड़ दिया, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सॉरी पांचवा छठा और सातवा, ठीक है ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो मतलब पहला चौथे के साथ और चौथे के साथ बनाया, तो चौथे वाले ने पांचवा छठा सातवें के साथ बनाया, सातवें वाले में आठवां नौवां 8 9 और फिर 10th के साथ बना लिया। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि क्या बने हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए, क्या बने हुए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये स्ट्रेट चेन थी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके एक कॉइल बन गई पूरी, क्या बन गई, ये कॉइल बन गई। तो इसको हम बोल रहे हैं दी अल्फा हेलिक्स। अल्फा क्यों बोल रहे हैं, अल्फा मतलब फोर होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट का फोर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए क्या नाम दे रहे हैं, अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स और भी तरीके के होते हैं, थ्री टेन हेलिक्स, पाई हेलिक्स, लेकिन जो मेजर फॉर्म का है वो अल्फा हेलिक्स है, तो हम अल्फा हेलिक्स ही जनरली बात करते हैं। तो ये जो बेसिक फोल्ड है उसमें क्या बोल रहे हैं, अल्फा हेलिक्स बोल रहे हैं। क्लियर है पॉइंट, आगे बात समझ रहे हैं। तो दैट इज अबाउट द अल्फा हेलिक्स। आगे बात करते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वैसे तो आपके जरूरी नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि एक 90 डिग्री टर्न के अंदर, एक 90 डिग्री टर्न यहां से आया और घूम के यहां पहुंच गया, ठीक है ना। यहां से जब यहां आता है, मतलब एक जब टर्न लेता है पूरा पूरा, एक पूरा टर्न यहां से आया और घूमा यहां पहुंच गया, एक 360 डिग्री टर्न में, कितने है? एक 360 डिग्री टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, 3.6
सिक्स अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन अ 360 डिग्री टर्न, ऐसा होता है इसके अंदर अल्फा हेलिक्स के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर ऐसे गोल गोल घूम के ये पूरा स्प्रेड कर जाए कैसे, सर ये वाली जो बात आपने कही 3.6 अमीनो एसिड और ये 360 डिग्री, ये समझ में नहीं आई सर। ये अमीनो एसिड सर पॉइंट में थोड़ा ना हो सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं हो सकते, पॉइंट में नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक 360 डिग्री मान ले कि एक हम ये लगभग लगभग बताया है कि एक 360 डिग्री जब टर्न पूरा हुआ, मतलब उन्होंने उन्होंने क्या कैलकुलेट किया होगा कि जब हम चार टर्न ले रहे हैं, जब हम चार टर्न ले रहे हैं, एक दो तीन चार, तो चार टर्न लेने के बाद हमारे पास 36 अमीनो एसिड आ रहे हैं, मतलब चार टर्न में 36 आ रहे हैं, तो पर टर्न क्या बोलेगा? बच्चे 33 या मान ले क्लास में बच्चे 27, तो मैंने बोला कि सबके सबके अप्रोक्सीमेटली 22.5 मतलब इतने नंबर आए और मैं पॉइंट में नंबर दे रहा हूँ, पॉइंट में नंबर मतलब पता नहीं, मैंने इधर एवरेज निकाला। गॉट इट? तो इसको हम बोल रहे बीटा स्ट्रैंड, फिर से एन टर्मिनल और सी टर्मिनल इसको बोल दिया बीटा स्ट्रैंड। अच्छा अब मान लेते हैं कि ये जो बीटा स्ट्रैंड है ठीक है, इसी के पैरेलल के अंदर, इसी के पैरेलल के अंदर, इसी के साथ साथ एक और बीटा स्ट्रैंड आ गया। अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किसके बीच में। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, पहले भी समझो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड आया कहाँ से, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या जानते हो, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी? सर दो हाइड्रोजन के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर, जैसे H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है। सर शायद से ना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन होते हैं ना उन उनके साथ। तुझे किसने पढ़ाया ये बात? सर ये वैसे भी पढ़ाया तो नहीं है कोर्स में, वो मैंने पढ़ लिया था। कहाँ से पढ़ लिया? सर वो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का। स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर कहाँ, कौन सी क्लास में आता है? हमारे में ही है अभी, लेकिन पढ़ाया नहीं गया अभी, आई थिंक 5th चैप्टर होगा। हाँ पढ़ाया नहीं गया, तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाया? स्कूल में तो वैसे मैंने अटेंड ही नहीं की क्लासेस इस चैप्टर की, वैसे हम पढ़ा तो दी थी। अब देखिए जरा सुन लीजिए जरा ध्यान से सब लोग ठीक है ना, एक तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पता, पता नहीं कैसे के बेसिक से केमिस्ट्री की चीजें सर सब बस दिमाग खोल के सुन लो ठीक है ना। अब हो सकता है कि मैं भी आपको अपने एक्सपर्टीज से ना पढ़ा पाऊँ क्योंकि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, मैंने भी 11th में पढ़ा था ठीक है, मैंने भी कोई अलग से नहीं पढ़ा है, मैंने भी 11th से पढ़ा है, लेकिन जब मैं पढ़ता था थोड़ा ध्यान देता था थोड़ा थोड़ा याद है ठीक है, तुमको बता देता हूँ। कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और साइज में छोटे होते हैं, मतलब साइज में छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। और जो इसके प्रमुख दावेदार हैं वो होते हैं हमारे फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो फ्लोरीन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है पूरी यूनिट का बकनॉस ठीक है, छोड़ देते हैं उसको उसमें जाते। तो जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है फ्लोरीन है ये जो तीन है इनकी तीन प्रॉपर्टी है, एक तो ये बहुत ही साइज में छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज ठीक है ना, और ये हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेशली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या
हाँ लेट्स से ये ऑक्सीजन है और लेट्स से इसमें कोई और जुड़ा हुआ कार्बन जुड़ा हुआ, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए, तो इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। तो बॉन्ड कैसे बनाया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। अब ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन अपने शेयर्ड है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होते, मतलब बॉन्ड बना हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा उसकी तरफ खींचे होंगे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, मतलब कौन बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास थोड़ा खींच कर रखता है। तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ना अपनी तरफ खींच कर रखता है। कि हैं तो दोनों के ही, हैं तो दोनों के ही, लेकिन यहाँ एकदम बीचों बीच होने के बजाय किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो ऑक्सीजन खींच और जो ऑक्सीजन को छोड़ के रखे कि चल ठीक है, जो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन को जाने दे या उतना ना खींच पाए, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो क्या फैक्टर्स होते हैं उसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको मिटा देते। तो ऑक्सीजन कहने का मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर वेरी मच इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब क्या होता है, इनको जहां पे हाइड्रोजन दिख जाता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का थोड़ा सा होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से डेल्टा नेगेटिव चार्ज के साथ होते हैं, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है किसी से भी जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन किसी और से जुड़ा है, OH से जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, ठीक है ना। तो अब इनके अपने है ना, तो ये भी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गई और ज्यादा चार्ज डिफरेंस, ये भी इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया और ज्यादा चार्ज डिफरेंस। तो आप क्या देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये स्मॉल हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और ये हाइड्रोजन, तो ये अपने आप में थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, और इसी बॉन्ड को हम बुलाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन एंड अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज, स्मॉल साइज यहाँ पे बहुत जरूरी है बोलना, स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बनेगा वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये जो है, ये जो मैं रिकॉल कर पाता हूँ अपनी केमिस्ट्री से जो मैंने 11th में पढ़ा है, खैर बाकी आप भी पढ़ लेंगे। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज अ वीक इंटरेक्शन, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इन सबसे कमजोर इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस भी है, इंपॉर्टेंस कैसे है कि जो वाटर होता है H2O, जो पानी होता है ना H2O, H2O कईयों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और जिसके साथ भी पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया वो सारे के सारे पानी में क्या हो जाएंगे, सॉलिबलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तभी मैं कभी मैंने बोला जो OH है, सीरीन है, CH2OH, अब उसका CH2OH पानी के साथ H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। अब क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो इजिली कैसा होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली बना लेगा वाटर के साथ वो सब वाटर में सॉल्युबलाइज रहेंगे, और जो नहीं बना पाएंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट आ रही है, समझ में है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक फोर्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड के सामने, आयनिक बॉन्ड के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक। ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको अल्फा में क्या मिले, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में, मैं जो बताने जा रहा था, अमाइनो एसिड में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मान लीजिए ये समझिएगा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, एन कार्बन अल्फा कार्बन, एन के पास अपना एच होगा, ठीक है, और कार्बन के पास अपना डबल बॉन्ड ओ होगा, अपना डबल बॉन्ड ओ होगा, और ये जुड़ा होगा अगले वाले अमाइनो एसिड के साथ, है ना, इस तरीके से, लेट्स से अगले वाले नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, है ना, नाइट्रोजन, उसका कार्बन, कार्बन अल्फा, उसका सी डबल बॉन्ड ओ, वो तो COOH होता है ना वहां पर, तो क्या बोल रहा है, क्या हो गया सर, ये सर ये वो तो जो जुड़ते हो तो जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ते हैं ना, अल्फा कार्बन के पास वो होता है आर वाला, उसके साथ ही उसके प्लेस पे तो जुड़ते हैं क्या, मैं तू एक बात बता, तू पैरेलल वर्ल्ड में पढ़ रहा है क्या, कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ तू कुछ और पढ़ रहा है, मैंने कब बोला कि अल्फा अल्फा कार्बन जो है
क्या कहते हैं अल्फा कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। सर अल्फा कार्बन के साथ जो वो आग जुड़ा रहता है वो बनाता है ना, उसकी जगह पर आते हैं। अरे किसने बोल दिया कि अल्फा कार्बन के साथ जो आर जुड़ा रहता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है? मैंने ये पढ़ा है, जब से मैं ये पढ़ा रहा हूँ तुमको शुभम। नहीं सर वो समझ में आ गया सर, अब OH की OH और H वाला समझ में आ गया, वो मैं उससे कंफ्यूज हो गया था। आर ग्रुप की कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो समझा रहा हूँ समझो। ठीक है अभी आर ग्रुप यहाँ पे, यहीं पे आर ग्रुप भी है, यहीं पे हाइड्रोजन भी है, बनाया नहीं है मैंने, छोड़ो उसको। ठीक है उसके बारे में छोड़ो, बस कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक अमाइनो एसिड है। कैसे होता है एनसीसी एनसीसी एनसीसी, ऐसे चलेगा ना कि नहीं चलेगा? बिल्कुल यस सर ऐसे सर। चलेगा। हाँ एनसीसी एनसीसी एनसीसी, सी और एन के बीच ये इसी फॉर्म में चलता है। अब क्या होता है कि मान लो ये एनसीसी 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 ऐसे चल रहा है, और इसी के बगल में एक और एनसीसी 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 आ गया, एन सी सी डबल बॉन्ड ओ, एन सी सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है और एन के पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, और सी के पास ओ है। अब इस सी के ओ को इधर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं एन सी सी। ठीक है तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? इस एन के पास भी एच होगा ना। हाँ एक सेकेंड, आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन। एन सी सी एन सी सी एन सी सी, ठीक है फिर से लिख देते हैं। एन के पास एच, सी के पास डबल बॉन्ड ओ, एन के पास एच, सी के पास डबल बॉन्ड ओ, एन के पास एच, सी के पास डबल बॉन्ड ओ। इसी के पैरेलल में एक और चेन लिख दी मैंने, एन एन के पास एच, सी सी के पास एन सी वापस एन सी सी एन सी सी एन सी सी एन सी के पास कुछ नहीं, इस बार सी के पास डबल बॉन्ड ओ, एन सी के पास कुछ नहीं, सी के पास डबल बॉन्ड ओ, पर एन के पास एच, सी के पास डबल बॉन्ड ओ, एन के पास एच, सी के पास डबल बॉन्ड ओ। आई सपोज दिस इज क्लियर। और बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है एनसीसी, 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 ठीक है ना। ओके तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। आगे बात समझ में क्लियर है पॉइंट? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले यहाँ पे कौन है, एडजेसेंट एडजेसेंट चेन के, एडजेसेंट चेन के मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो NH वाला हाइड्रोजन है और C डबल बॉन्ड O वाला क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड रहा होगा NCC और यहाँ भी रहा होगा NCC, तो इसका N और इसका C डबल बॉन्ड O उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ऐसे इसका इसका N और इसका C, इसके N का हाइड्रोजन और इसके C डबल बॉन्ड O वाला O, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो याद रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो एक अमाइनो एसिड के अमीन ग्रुप और दूसरे वाले के C डबल बॉन्ड O के O के साथ बनता है। क्लियर है पॉइंट? आगे बात समझ लें। अब ये वाला भी देखो, ऐसी सिचुएशन कब आएगी ध्यान समझेगा। मान लो ये एक स्ट्रैंड था बीटा स्ट्रैंड,
और उसके पैरेलल में एक और बिगर स्ट्रैंड आ गया, तो ऐसे 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 क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। आइए समझाता हूँ किस तरीके से इसको मिटा देते हैं, आई सपोज आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बना देते हैं लाइन, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ये सेम ऐसे पैर पॉइंट तरीके से मैंने यहाँ पे जिगजैग 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 लाइन बना दी। तो सेम यहीं पे भी यहाँ पे अमाइनो एसिड होंगे, अमाइनो एसिड 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 जो भी है सब यही होंगे, और इसमें जिगजैग जिगजैग करते हुए इस तरीके से करते हुए जो भी है मैंने रफली बना रहा हूँ, क्या बन गए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए होंगे। क्लियर पॉइंट? तो ये एक बीटा स्ट्रैंड है, ये एक बीटा स्ट्रैंड है, इनको मिला के बोल देते हैं बीटा शीट। क्या बोल देते हैं? बीटा शीट बोल देते हैं, और बीटा शीट अगेंस्ट स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? अब जरूरी नहीं है कि दोनों बीटा स्ट्रैंड आपस में पैरेलल ही हो सकता है, ये तो एंटी सिग्नल है, हो सकता है ये एंटी पैरेलल हो, मतलब ये अपोजिट इन डायरेक्शन हो सकता है कि एक चेन आ रही हो तीसरी, और उस तीसरी चेन के अंदर ये ऐसे ऐसे ना हो के ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, मतलब इसका ये है सी टर्मिनल, ये है इसका क्या एंड टर्मिनल, सो अब ये पैरेलल नहीं रहेगी, एंटी पैरेलल। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड सामने सामने बन जाएंगे, क्यों आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, कैसे बन रहा था, एक नाइट्रोजन था एन सी और सी एन सी सी ऐसे थे ना, एन सी सी, तो ये वाला जो एन है वो एन के साथ तो बनाया गया नहीं ना हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई अगर पैरेलल होगा तो एन के सामने एन आएगा, सी के सामने सी आएगा, सी के सामने सी आएगा, तो एन को सी के साथ बनाने के लिए टेढ़ा टेढ़ा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? ये होगा पैरेलल में, लेकिन अगर मैं एंटी पैरेलल कर दूं, अगर ये आ रहा है एनसीसी 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 और ये इस तरफ से आ रहा है एनसीसी एनसीसी, तो जब ये उल्टा आएगा तो जहां इसका एन होगा उसके साथ में कार्बन आ जाएगा, अब दोनों जब साथ में आ जाएंगे तो साथ साथ में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो जब दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होंगे, कैसे होंगे, अगर ये बीटा शीट ये है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये क्या है, एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल और ये पैरेलल, ये पैरेलल ये एंटी पैरेलल, और जब एंटी पैरेलल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से बनेंगे, साथ साथ में बनेंगे, और जब पैरेलल होगा तो कैसे बनेंगे, डायगोनल डायगोनल बनेंगे। क्लियर पॉइंट? कैसा भी हो सकता है, क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो दो स्ट्रैंड्स पैरेलल भी हो सकते हैं, दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, दो की जगह चार स्ट्रैंड्स भी हो सकते हैं, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, पैरेलल पैरेलल एंटी पैरेलल, कैसा भी हिसाब से हो सकता है, और उस पूरे को हम बीटा शीट ही बोलेंगे, दो की है तो भी शीट, तीन की है तो भी शीट, पांच की है तो भी शीट, और उसमें पांच के पांच पैरेलल, पांच में दो पैरेलल दो एंटी पैरेलल, एक पैरेलल चार एंटी पैरेलल, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो ये दोनों जो बेसिक बेसिक फोल्ड है इसको हम बोलते हैं द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। आई सपोज आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई डाउट? मतलब आपके लेवल पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा शीट होता है, बीटा शीट में खिंचे खिंचे होते हैं, और अल्फा हेलिक्स में हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, कहानी खत्म, और ये हो जाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सर ये दोनों के दोनों में मतलब एच बॉन्ड बन गया, पर सर जब भी दोनों की शेप अलग अलग है, ऐसा क्यों सर? अपने अपने अमीनो एसिड के हिसाब से, जैसे नेचर के कुछ अमीनो एसिड जैसे होते हैं जो आपस में अल्फा हेलिक्स बनाना पसंद करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं कि जो बीटा शीट बना के स्टेबल रहना पसंद करते हैं। Got it? Got it. Okay. सर, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में, ये सारे अमाइनो एसिड्स के बीच में नहीं बनेंगे क्या, मतलब दो तीन छोड़ छोड़ के बनते हैं या फिर सारे बना सकते हैं? नहीं, ये जैसे कि मैंने बताया ना कि जो भी डेंसिटी में आएगा है ना, जो भी साथ में आएगा, मतलब पहला हाँ ये एडजेसेंट बनते जाएंगे, मतलब कि हर एक अमाइनो एसिड अपने एडजेसेंट वाले से बनाता चलेगा ना, जिस इसका एन इसका एन इसके कार्बन के साथ, फिर अगले एन उसके कार्बन के साथ, उसका एन उसके कार्बन के साथ, गॉट इट?
और सर ये जो बीटा स्ट्रैंड हैं इनको बीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कार्बन बीटा फॉर्म में होता है, मतलब जो इनका नहीं स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर मैं बताता हूँ, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। एक एक सिंपल से बताना, तुम एक कहानी बता रहे हो, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट बता रहे हो कि हमने एक ग्लास स्लैब लिया और एक दूसरा ग्लास स्लैब लिया, एक का नाम क्या दोगी? लेट्स से इस ग्लास स्लैब का नाम क्या दे दे, ए एक का नाम ए दे दे, दूसरा नाम क्या दे दिया, बी। बी तो यहाँ पे वही है, अल्फा बीटा दो तो नाम दिए हैं, गॉट इट, ओके सर, यस समझ गई? कौन पूछ रहा है, एक सर, डाउट किसी का है ना, इट जस्ट नेम अल्फा बीटा, ग्रीक लेटर है ना, वहां पे अल्फा बीटा चलता है। ओके तो आइए टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ इशिका से, ये सवाल करेंगे इशिका, मुझे एक बात बताओ, प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? बुक्स में पाए जाते हैं कि एक्चुअल में होते हैं? बुक सिर्फ बुक में और ब्लैक बोर्ड में ही होते हैं कि एक्चुअल में भी होते हैं प्रोटीन? होते हैं सर हमारी होते बॉडी हैं में, ना, होते हैं जो भी, ओके, जो भी चीज एक्चुअल में है वो कितने डायमेंशन में होती है? 3D, 3D होती है, उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, थ्री कौन कौन से, XYZ, X Z, यस ठीक है इंग्लिश ये? में जी बोलते हैं ऐसे। हाँ अरे भैया गलत है, ठीक है, ठीक है कोई ठीक नहीं है, बोलता है, ठीक है, ये गलत गलत ये गलत शिक्षा जो पढ़ाई जा रही है ना, कि A B Z, ये Z कुछ नहीं है, ये इंग्लिश की ऐसी तैसी की जा रही है, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं हम, उसमें जेड ही होता है, जेड ही रहेगा, ठीक है ना, तो जी कुछ नहीं होता है, वो अमेरिकन वाले इंग्लिश वाले ना सब बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, ओके। खैर यस तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर चीजें रहती हैं, राइट। नाउ प्रोटीन भी अगर एक्चुअल में प्रेजेंट है तो वो भी तीन एक्सिस में होगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, उसका अपना भी एक 3D स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो प्रोटीन एग्जैक्टली 3D स्पेस में कैसा दिखता है वो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर है, कि एक्चुअल में वो कैसा, और एक्चुअल में देखोगे ये प्रोटीन है, ऐसा कुछ होता है, एक ऊन के गोले के जैसा फोल्डेड, और अपने ऊपर ऐसे 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 पूरा ऊन के गोले के जैसा फोल्डेड, कंप्लीटली फोल्डेड उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम अच्छा, हमने बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में मुझे क्या मालूम था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस मालूम था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मुझे क्या मालूम था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मुझे पता था अल्फा हेलिक्स का बीटा शीट का है। अभी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट आपस में अपने आप में किस 3D के अंदर, तो मुझे क्या मालूम है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मालूम है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हम एक एक एटम को, ध्यान सुनेगा, मैं एक एक नाइट्रोजनस बेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक एक एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक एक एटम की क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए एक मिनट, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दिस। अभी आना, आप लोग को मैं सब में स्क्रीन शेयर करूंगा, एंड आई वॉन्ट यू टू सी समथिंग, वेट अ मिनट।
फ्रेंड्स, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है? तो मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, दिख रहा है आपको ये स्क्रीन? दिख रही? यस सर, विजिबल है। ओके, विजिबल है ना? अब आप देखिए, ये यू कैन सी दिस फाइल बेटा, इसको बोलते हैं प्रोटीन डेटा बैंक की फाइल। ये थोड़ा सा बहुत थोड़ा हाई लेवल की चीज है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कुछ। आप देखिए, इसमें ना आपको एक लाइन, पहली लाइन में क्या दिख रहा होगा? एटम 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 दिख रहा है, ठीक है? यस सर। अच्छा, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अब इसकी ना चौथी रो में आ जाओ। चौथी रो में क्या दिख रहा है? वन 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 वन, ठीक है? और जहां वन 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 है ना, उसके तीसरी रो में आओ, मतलब वन वन के लेफ्ट में देखोगे तो आपको जहां जहां वन है वहां वैल 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 लिखा हुआ है, राइट? और जहां से फोर्थ रो में टू 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 शुरू हो रहा है, वहां आईएलई 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 लिखा हुआ है, राइट? यस सर, दिख रहा है ना ये? ओके, अब पता है क्या, ये वन 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 क्या नोट के बता रहा है? ये किसी प्रोटीन का ना एक्चुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेटा के फॉर्म में। जो वन 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 है, ये दिखा रहा है कि पहला अमाइनो एसिड, और वैल 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 वाला दिखा रहा है कि पहला अमाइनो एसिड वैलिन है। अभी इतनी बार क्यों दिया हुआ है? अब आप इसमें सेकेंड रो के नंबरिंग में आओ, वैलिन पता क्या होता है? वैलिन इज सी एच थ्री, मतलब एक तो अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है ना, और अमाइनो एसिड और उसके आर ग्रुप में होता है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अब आप टोटल एटम्स काउंट करो वैलिन में कितने होंगे। अगर मैं काउंट करूं, ये काउंट करते हैं, तो एक तो NH2 हो गया है ना, एक तो NH NH2 वाले को काउंट करोगे, सी NH2 का मतलब दो हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन काउंट करोगे, एक अल्फा कार्बन काउंट करोगे, एक हाइड्रोजन काउंट करोगे, सी डबल डबल बॉन्ड हुआ तो एक सी काउंट करोगे, एक डबल बॉन्ड ओ काउंट करोगे, ठीक है? ओके, अच्छा, उसके अलावा फिर आप क्या काउंट करोगे? फिर आप काउंट करोगे सी एच थ्री के एक सी सी एच थ्री, तो तीन एच चार हो गए। तो ऐसे करते करते आप देखोगे तो वैलिन के अंदर कुल मिला के 18 एटम होते हैं, 18 एटम। तो आप देखोगे वैलिन के हर एटम के बारे में दिया हुआ है, एटम वन एटम टू एटम थ्री। अब आप फर्स्ट कॉलम देखो और सेकंड कॉलम देखो, एटम वन नाइट्रोजन वैलिन, एटम टू सी ए वैलिन, सी ए का मतलब कार्बन अल्फा, एटम थ्री कार्बन वैलिन, एटम फोर ऑक्सीजन ओ वैलिन का, एटम फाइव कार्बन बीटा वैलिन, कार्बन बीटा बोल रहे हैं आर ग्रुप के कार्बन को, ठीक है ना? फिर तीन कार्बन है उसमें और तीन हाइड्रोजन, मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि वैलिन जो अमीनो एसिड है उसके अंदर कुल मिला के 18 अमीनो एसिड है, सॉरी 18 एटम है, एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सारे मिला के, उन 18 के 18 के बारे में आप देखिए ये। अब आप जहां वन वन लिखा हुआ ना, वन 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 वन, उसके आगे आ जाइए, तीन रो देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, माइनस 7.589 माइनस 12.441 4.870 बेटा, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब पहली रो एक्स फिर वाई और फिर जेड कोऑर्डिनेट, मतलब एक प्रोटीन के हर एक अमीनो एसिड के हर एक एटम को एक पॉइंट मानते हुए हर एक के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये निकाल रखे हैं और सेव किए हुए हैं। तो जब हमें एक प्रोटीन के हर एक एटम के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से पता होते हैं, तो हमें एक्चुअल में क्या पता होता है? उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर पता होता है। तो अब आप समझ गए टर्शियरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि ओवरऑल 3D स्पेस में अगर प्रोटीन को डाल दिया और उसके हर एक एटम को हमने अगर एक पॉइंट मान लें, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, उसको हम बोलते हैं उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्लियर है आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर? किसी को कोई डाउट? समझे? यस सर। तो ये बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं हमारी उपलब्धि है, ये हमारा बहुत बड़ा एडवांस इन रिसर्च है कि आज हमारे बॉडी के अंदर 30,000 प्रोटीन्स हैं और 30,000 प्रोटीन्स का एग्जैक्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है हमें पता है और वो स्टोर्ड है डेटा बैंक के अंदर। हम चाहें किसी का भी स्ट्रक्चर निकाल के उसके ऊपर मैथमेटिकल टूल लगा लगा के उस पर रिसर्च कर सकते हैं, एंड दिस इज द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, जहाँ पे हम
बायोलॉजी की चीजें का चीजों का जो डेटा है उसका एनालिसिस करते हैं, उनके चीजों पे काम करते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह बना के काम करते हैं, दैट इज बायोइनफॉर्मेटिक्स केयर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर फॉर प्रोटीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अब मैं इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर ना इसका डायग्राम बना रहा हूं। अब मैं इसके ऊपर मैंने इसको ये बना दिया, फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने इसका सिर्फ ओवरऑल ओवरऑल बाहर बाहर के एक्सटीरियर पार्ट बना दिया, अब अंदर से मिटा देते हैं। अब आप समझो कि प्रोटीन नजर कैसा आता है। प्रोटीन आप समझो ऐसा है कि एक क्ले की बॉल है, क्ले की बॉल है, उस क्ले की बॉल को जगह जगह से दबा दिया तो उसमें कहीं कहीं पे ना ऐसी कैविटीज बन गई। इस कैविटी को हम बोलते हैं पॉकेट्स। क्या बुलाते हैं बेटा इनको? इनको बुलाते हैं पॉकेट्स। दीज आर नथिंग बट दी पॉकेट्स। अब मान लो प्रोटीन की एक पॉकेट है, लेट्स सी योर एक पॉकेट है और एक पॉकेट ऐसी है, ठीक है, कैसी है, ऐसी सी पॉकेट। अब मान लो हमारे पास कोई केमिकल है, आ रही बात समझ, कोई केमिकल है, कोई केमिकल है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो बेटा क्या लगता है ये वाला केमिकल एग्जैक्टली यहां पर फिट हो जाएगा? ठीक है, मान लो ये एक प्रोटीन और ये एंजाइम है, इसका नाम है लेट्स से हेक्सोकाइनेज, या लेट्स से इसका नाम है आइसोमेरेज। क्या नाम है इसका? आइसोमेरेज एंजाइम का नाम है। और ये ग्लूकोज है, लेट्स से ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, लेट्स अज्यूम ये क्या है, ग्लूकोज है, 3D में ग्लूकोज है। और लेट्स से ये फ्रक्टोज है, ये क्या है, फ्रक्टोज। तो क्या होता है, लेट्स से ग्लूकोज इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसके आप पास आके यहाँ पे बाइंड कर गया और बाइंड करके क्या बना दिया उसने, फ्रक्टोज बना दिया। तो ग्लूकोज क्या ये पार्ट क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था इस पार्ट के, इसने बाइंड कर गया और इसने क्या बना दिया, फ्रक्टोज बना दिया। क्लियर है पॉइंट? अब ग्लूकोज से अरे समझ में नहीं आया, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बन गया? बेटा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं है, इमेजिन कर ले, मान ले। आइसोमर का स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं होता, एक इमेजिनेशन के दे रहा हूँ, अज्यूम कर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ग्लूकोज जाके इस तरीके से ऐसे जाके बाइंड कर जाएगा और बदले में मान ले वो ये दे रहा है, मान ले वो, गॉट इट? अच्छा मान लिया है ना, बोलता ना मान लो ये आदमी है, आप बोलूंगा मान लिया आदमी तो आदमी हो नहीं जाएगा ना, ठीक है, ओके, समझते हैं ये बिल्कुल। ज्यादा इमोशनल हो जाता है, ज्यादा डिटेल में जाता है कि मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इससे जुड़ गया और जुड़ के इसने फ्रक्टोज दे दिया। अब मान लो ग्लूकोज ऐसा होना हो के, लेट से ग्लूकोज ऐसा होता, क्या ऐसा होता, लेट से ग्लूकोज ऐसा होता, तो क्या लगता है अगर ग्लूकोज ऐसा होता तो यहां पे बाइंड करता? नो सर, नहीं बाइंड करता। इसका मतलब दोनों में स्पेसिफिसिटी बहुत जरूरी है, यानी सबस्ट्रेट में जो बाइंड कर रहा है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जिससे बाइंड हो गए वो बदल रहा है उसको बोलते हैं एंजाइम। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम में बाइंडिंग के लिए क्या जरूरी है? लॉक इन की हाइपोथेसिस। एक ताला होता है और एक चाबी होती है, अगर ये ताला है ये उसकी क्या है, चाबी है। क्लियर है पॉइंट? तो दोनों कैसे, जैसे ताला चाबी में फिट हो जाता है एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वैसे ही बाइंडिंग क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, बदल जाएगी तो ये बाइंड नहीं करेगा। और दूसरे सिनेरियो में मान लो ग्लूकोज ऐसा ही होता, ग्लूकोज एकदम ऐसा होता, लेकिन हमारी ये वाली पॉकेट ऐसी ना हो के ये पॉकेट ऐसी 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 होती तो क्या ग्लूकोज बाइंड कर जाता? तो भी वो नहीं कर पाता। तो सिर्फ ताले की ही शेप जरूरी नहीं है, सॉरी सिर्फ चाबी की शेप जरूरी नहीं है, ताले की भी शेप एकदम क्या है, जरूरी है। किसके लिए? किसके लिए? बाइंडिंग के लिए। आ रही बात समझ में? और कौन से प्रोटीन की शेप कैसी है, उसमें किस तरह की पॉकेट्स हैं, वो किससे बाइंड कर सकता है, ये सारी बातें हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने के देख के पास चलेगी, प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी? टर्शियरी, टर्शियरी से पता चलेगी। क्लियर पॉइंट? तो इसका मतलब एक प्रोटीन क्या फंक्शन करेगा, किससे बाइंड करेगा, कैसे काम करेगा, ये उसके ये फैसला कौन करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली बोलेंगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर। हालांकि वो बात अलग है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पे ही डिपेंडेंट होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी पे ही डिपेंडेंट होता है टर्शियरी,
लेकिन अगर हम बात करें सीधी सीधी तो ओवरऑल फंक्शन किससे डिटरमाइन होके आएगा, टर्शियरी से, क्योंकि टर्शियरी में पॉकेट्स होंगे, टर्शियरी में 3D स्पेस में नजर आएगा, टर्शियरी ही फैसला करेगा किससे बाइंड करना है किससे बाइंड नहीं करना है। अब सवाल यह आता है कि अच्छा अब ये बात और ध्यान रखिएगा कि ये सारी पॉकेट्स को सिर्फ पॉकेट्स बोलेंगे और ये स्पेसिफिक पॉकेट्स जिससे सब्सट्रेट बाइंड करके फंक्शन कर रहा, मतलब वो पॉकेट जो उस प्रोटीन के फंक्शन के लिए जरूरी है, जहां पे सब्सट्रेट बाइंड कर रहा है उस स्पेसिफिक पॉकेट को हम एक नाम देते हैं और उसका नाम होता है एक्टिव साइट। क्या होता है बेटा? एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या होती है, डेफिनेशन सुनेंगे आप तो एक्टिव साइट की क्या डेफिनेशन है। एक्टिव साइट की डेफिनेशन ये है कि एक्टिव साइट एक प्रोटीन का वो वाली जगह है, वो वाला स्पेस है जहां पर सब्सट्रेट बाइंड करता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो द साइट एट विच सब्सट्रेट बाइंड्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट साइट इज नोन एज डी एक्टिव साइट। कोई डाउट एक्टिव साइट के साथ? क्लियर है पॉइंट? तो वो जाती है एक्टिव साइट। अब अगला सवाल ये आता है कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कर रहा था, साथ में आ गया था हाइड्रोजन बॉन्ड। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं आप ध्यान देंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड और हाइड्रोजन तो होता ही है, इसके अलावा बॉन्ड होते हैं कौन से, डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक एंड बेंडर वॉल इंट्रैक्शंस। तो ये सारे बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्या बनाने के लिए, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। अब ये पढ़ाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक लास्ट चीज पढ़ाने बताने जा रहा हूं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में, फिर आप समझ जाएंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड हमेशा दो सिस्टीन के बीच में बनता है, किसी दो सिस्टीन के बीच में। मान लीजिए हमारा आसिड था, ये सिस्टीन था, कौन था, सिस्टीन। आप सिस्टीन में आपको पता है, सिस्टीन में आपको पता है, सिस्टीन में आपको, आप जानते हैं कि एक होता है दो CSH2 है ना, SH2 होता है उसमें, SH2 होता है, CSH2। मान लो उसके पास एक और सिस्टीन आ गया, उसके पास ही एक और सिस्टीन था आसपास, और वहां पर भी क्या था, एक SH2 था। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सॉरी CH2SH। अब इन दोनों में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलने के बाद ये सिस्टीन और सिस्टीन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये दो सल्फर के बीच बना हुआ बॉन्ड बेटा, इसको हम बुलाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सल्फर्स ऑफ टू डिफरेंट सिस्टीन। क्लियर पॉइंट? उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या है? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोफोबिक है, दोनों को आपने पानी में डाल दिया। जैसे ही आपने दोनों को पानी में डाला, बिकॉज दिस हेट्स वाटर, ये दूर हो जाएगा, दिस ऑल्सो हेट्स वाटर, तो ये भी दूर हो जाएगा। अब दुनिया में ये सबसे बड़ी दोस्ती होती है, कौन सी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली, इसका भी दुश्मन वाटर, इसका भी दुश्मन वाटर, दोनों का दुश्मन पानी, दोनों क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। सो दिस इज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तू भी पानी से नफरत करता है, मैं भी पानी से नफरत करता हूँ, आज दोनों साथ में मिलकर पानी से नफरत करते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। क्लियर पॉइंट? लिपिड्स में होती हैं। अगली बात समझ, तो मान लो इधर है हमारे पास एलेनिन, इधर बैठा था वैलिन, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। चलो अभी हाइड्रोफोबिक समझ में आगे आगे बताऊंगा। अच्छा आयनिक क्या है? आयनिक है एक नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड, एक पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, दोनों आपस में इंटरेक्शन कर ली, दैट इज आयनिक इंटरेक्शन। अब समझो ये मान लो एक अमीनो एसिड की चेन थी, इसने इसमें क्या देखा कि यहाँ एक सिस्टीन था, यहाँ भी एक सिस्टीन था, इसने बोला कि हम तो बड़े दूर दूर हैं, अगर हम पास में आ जाए, अगर हम पास में आ जाए, ऐसे घूम जाए, ये चेन थोड़ी ऐसी सीधी है, थोड़ी घूम जाए तो सिस्टीन सिस्टीन से बॉन्ड बना लेगा,
तो इधर सिस्टीन सिस्टीन के पास गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिया, इससे क्या हो गई, बॉन्ड बढ़ गए, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे लंबे होने में कोई मजा नहीं था, तो उसने थोड़ा घूम के ऐसे बॉन्ड बना लिया और इससे क्या हो गई, थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्लियर इतना हो गया। अब जब ये चेन घूमी, इसको नजर आया कि यहां पर ना बैठा है एलेनिन और यहां बैठा है ल्यूसीन, और एलेनिन भी हाइड्रोफोबिक ल्यूसीन भी हाइड्रोफोबिक है, कहा हम भी पास आ जाते हैं, दोनों हाइड्रोफोबिक है। ये थोड़ा घूमे और दोनों क्या गए, पास आ गए, उन्होंने हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लिया, क्लियर है पॉइंट। अच्छा इधर था एक ग्लूटामिक एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, और इधर दूर कहीं था लाइसिन, ग्लूटामिक नेगेटिव था, लाइसिन पॉजिटिव था। दोनों ने कहा कि अभी तो हम बहुत दूर दूर है, बड़े अनस्टेबल है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों ने स्टेबिलिटी बनाने के बॉन्ड बनाने के पास आ गए, इसने पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना ली, इंट्रैक्शन बना ली, तो एक आयनिक इंट्रैक्शन बन गई। तो ये आयनिक इंट्रैक्शन बन गई, कहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनने की वजह से प्रोटीन अब लंबा नहीं रहा, प्रोटीन ओवरऑल 3D में पूरा फैल गया, और ओवरऑल कैसा हो गया, अरेंज हो गया, छोटा हो गया साइज में, हाईली फोल्डेड हो गया, और फोल्ड हुआ बिकॉज ऑफ दीज ऑल बॉन्ड्स, एक तो तीन ही हो गए, थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंस वैन डेर वाल्स फोर्सेस का भी रहेगा, चार ही हो गए, प्लस कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और पांचवा बन था हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, आयनिक बॉन्ड एंड वैन डेर वाल्स फोर्सेस, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल इंटरेक्शंस। मतलब आप केमिस्ट्री पढ़िए और आप इंटरेक्शन पढ़िए, आप इंटरेक्शन नाम लीजिए, वो सारी इंटरेक्शन प्रेजेंट है प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में, ये सब मिलके प्रोटीन को एक टर्शरी स्ट्रक्चर देते हैं, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने इनमें से कोई भी इंटरेक्शन बदली, आपने आयनिक इंटरेक्शन जरा सी चेंज कर दी, ओवरऑल प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, क्लियर पॉइंट। अगर ये सिस्टीन इस सिस्टीन के पास नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर वो एलेनिन उस ग्लूटामिन के पास नहीं आ पाएगा, तो अगर आप एक इंट्रैक्शन बीच में से बदल देते हो तो ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंजेस, तो ये बिल्कुल इंट्रैक्शन आप नहीं बदल सकते, इसीलिए प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि ये इंट्रैक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है। आपने पीएच चेंज किया, आपने एच प्लस की कंसेंट्रेशन चेंज करी, तो आयनिक इंट्रैक्शन बदल जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की इंट्रैक्शन बदल जाएंगे, आपने टेम्परेचर दे दिया, एनर्जी दे दी, तो भी ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो जैसे आप टेम्परेचर बदलते हो या पीएच बदलते हो, एक एंजाइम इनएक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन जैसा बना है काम करने के लिए वो वैसे ही काम करेगा, अगर आप थोड़ा सा बदलते तो काम नहीं करेगा। इतना ही है टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रह गया, उसको हम नेक्स्ट टाइम ये वंडरफुल इंटरेक्शन समझ नहीं आया मेरे को, बाकी सब समझ में आ गया। तुमने अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वैंडर वाल फोर्सेस ना क्लास 10 से पढ़ के आना होता है, कि कोवरेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, वैंडर वाल फोर्सेस क्या है, सर केमिस्ट्री में तो पता है वंडरफुल जो बॉन्ड बनता है वो तो मैं, बस वही इंटरेक्शंस हैं, दो दो अमीनो एसिड के बीच में, दो अमीनो एसिड के एटम के बीच में हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है टर्शियरी स्ट्रक्चर को, कहने वाला भी है, हालांकि कम लेकिन करेगी। तो मैंने ये बताया आपको, बोला टर्शियरी का बता दिया, क्वार्टरनरी रह गया, क्वार्टरनरी हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, और फिर बात करेंगे हम एंजाइम्स की। किसी को कोई डाउट? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास।